गुजत खुतब जुमतलमबारक में मैंने मुरवज़ा सियासत के हवाले से हमारे दीन इस्लाम का जो नुकसान हो रहा है उसमें से एक चीज़ को जिक्र किया था कि मुसलमानों का बाहमी भाई भाईचारा जो कि इस्लामी अख़ूत पर मबनी है वो ख़त्म होता जा रहा है वो हमारी इस मुरवज़ा सियासत की भेंट चढ़ रहा है और बजाय इस्लाम की बुनियाद पे भाईचारा होने के हमारी महबत और मबदत जो है वो सियासी हवाले से तकसीम हो रही है जो कि ना अनफ़रादी तौर पर हमारे लिए अच्छी है और ना इज्तमाही तौर पर खुश है इसी तरह ये तो एक बात थी कि सियासत के हवाले से हमारी दीनी अख़ुवत मुतासर हो रही है इसके अलावा भी बहुत सारी ख़राबियां हैं जो हमने पाल रखी हैं इस सियासत की वजह से बहुत सारी और भी कबाहतें हैं जो हमारे माशरे में आम हो चुकी उनमें से एक झूठ भी है कि हमने इस सियासत की वजह से झूठ को माशरे में रवाज दिया है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि झूठ है क्या और उसकी कबाहत क्या है इस्लाम ने उसे क्यों रोका है और मना किया है फिर इस्लाम में झूठ कितना बड़ा जुर्म है और उसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी वायदे आई फिर हमारी सियासत में किस कदर बेदरेग झूठ बोला जाता है और फिर उसके लिए किस तरह के हीले बहाने तराशे जाते हैं उसको जायज़ बावर करवाने के लिए और क्या वो बहाने वाकई हमारे काम आने वाले हैं अल्लाह के दरबार में तो सबसे पहले ये समझें कि झूठ है क्या हक को बातिल करके दिखाना रोशनी को अंधेरा कहना जुल्म को अदल कहना अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहना किसी की जान किसी के माल या किसी की इज़्ज़त को पामाल करने के लिए ऐसी बात कहना जो कि हकीकत के ख़िलाफ़ है इसे झूठ कहा जाता है अगर हम मजहबी और इस्लामी नुक्ता नज़र से हट के भी देखें फितरी तौर पर इंसानी माशरे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं इससे नफ़रत जन्म लेती है आप किसी के बारे में झूठ बोलेंगे हकाइ को मशक करेंगे तो सबसे पहले उसके दिल में आपकी इज्जत और एहतराम ख़त्म हो जाए इज़्ज़त और एहतराम की बजाय बुगजो अदावत पैदा होगी जिससे आप झूठ बोल रहे हैं जिसके बारे में आप झूठ बोल रहे हैं उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखें कि अगर कोई आपसे झूठ बोले तो आपके तासरात उसके बारे में क्या होंगे और आपके दिल की कैफियत क्या होगी इससे माशरे में फसाद पैदा होता है बदमनी पैदा होती है। और बात कत्लो गारत तक जाती मुआरे से अमन ख़त्म होता है झूठ की वजह से ये बहुत बड़ी फसाद की जड़ है जिस तरह कहते हैं ना फलाँ एक बीमारी है वो सत्तर बीमारियों की माँ है उसका इलाज हो जाए तो सत्तर बीमारियाँ दूर हो जाती हैं तो झूठ सत्तर क्या बेशुमार जो गुना है उनका सबब है और उनकी जड़ और बुनियाद है इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अलकाजीबा यहदी इल फजूर झूठ जो है वो इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है गुनाहों की तरफ लेके जाता एक तो बजाते खुद जुर्म और गुनाह है और दूसरा ये गुनाहों की बुनियाद बनता है इंसान गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है जब झूठ का खूगर हो जाता है और झूठ बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है तो फिर वो गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है। तो ये हमारे माशरे के लिए एक इंसानी मुआरे के लिए नासूर है झूठ बहुत सारी खराबियों की बुनियाद और जड़ है ये झूठ बदअमनी और फसाद और कत्लो गत का सबब है झूठ यही वजह है कि इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगा दी पाबंदी लगाकर सख्ती से मना कर दिया झूठ बोलना जायज नहीं है झूठ की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं यहां तक कि कुरान करीम में अल्लाह इज़्ज़त ने आयत मुबाहला में झूठ का जिक्र किया झूठों का जिक्र किया फरमाया फरमाए फनजानकाजी आओ मिलकर झूठों पर अल्लाह की लानत करते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत हो मुबाहले में यह दुआ मांगी जाती है कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो इतना बड़ा जुर्म है झूठ बोलना इंफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर इसकी हलाकत खेजी और संगीनी इस कदर है कि रसूल वसल्लम ने इसको निफाक करार दिया फरमाया आयतुल मुनाफे की सलाह सुन मुनाफे की तीन निशानियां हैं मुनाफे की तीन निशानियां हैं और सबसे पहली जो बयान फरमाई इजा हदसा जब बोलता है तो झूठ बोलता है यह मुनाफे की निशानी ये इंसान के निफाक का पता देता है झूठ ये कितना मुखलस है इस्लाम के साथ ईमान के साथ अल्लाह के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये पता चलता है उसके सच और झूठ से झूठ बोलता है तो पता चलता है कि इसके दिल में खोट है निफाक है मुनाफे की पहली निशानी इजा हद दसा का बोलता है तो झूठ बोलता है